Hello friends and welcome back to the YouTube channel of Srishti Classes. Friends, today we will learn the most important point, means today we will learn about how to introduce yourself at any place or in front of any personality. So friends, learn about self-introduction, means how to introduce yourself. We will learn about self-introduction, खुद का परिचय कहीं भी किसी के भी सामने कैसे दें, मतलब किसी के भी सामने का सेंस ये होगा कि आप ऑफिस में हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पार्टी में हैं, तो अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन किस तरह से दे सकते हैं, उसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड चीज जगहों पे देने के लिए इंट्रोडक्शन, अपना खुद का परिचय ऑफिस से रिलेटेड मीन्स ऑफिशियल प्लेसेस। क्या होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए फॉर्मल फॉर्मेट यूज करेंगे, जो फॉर्मल स्टेप्स हैं वो यूज करेंगे, और बात करेंगे इनफॉर्मल के लिए तो ये पार्टी वगैरह में, ठीक है, पार्टी वगैरह में इसका यूज करते हैं, मतलब इनफॉर्मल मेथड्स को पार्टी वगैरह में इसका यूज करके मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अब अभी बात करेंगे ओनली फॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल के बारे में, फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन, और अगले वीडियो में बात करेंगे फॉर्मल इंट्रोडक्शन के, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इसको। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ग्रीट, ओके, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप किसी कमरे से बाहर हैं और कमरे के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू इंटर इनटू एनी रूम, देन यू शुड हैव टेक परमिशन ओवर दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू शुड हैव टेक परमिशन फॉर दैट, ठीक है। सबसे पहले आपको परमिशन लेना होगा, मे आई कम इन, ठीक है, सबसे पहले आप परमिशन लेंगे, मे आई कम इन, फिर इंटर करेंगे, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब, उसके बाद, ठीक है, गुड मॉर्निंग ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी पर्टिकुलर टाइम उस समय का रहा होगा, ठीक है। तो वो तो था इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन के लिए भी आगे के स्टेप्स हैं, ये स्टार्टिंग के स्टेप्स थे। यदि आप रूम से बाहर हैं और प्रवेश करने ही वाले हैं कमरे में, तो उसके लिए था। और अगर ऑफिशियल प्लेस पे आप ऑफिस में कहीं हैं और स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं कॉलेज में हैं, तो आप फॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रीट ओवर देयर, ठीक, हाउ टू ग्रीट, वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स, दीज टॉपिक्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ग्रीट ओवर देयर, and after that we'll have to tell your name, and after that place means from where you belong, and after that your qualifications, and after that skills and experience, what are your skills and do you have an experience or not, and after that we'll have to announce our strength, means सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, तो उस खूबी को आपको बताना है, कमजोरी कभी नहीं बताया जाता, ठीक है। डोंट यू हैव टू अनाउंस ओनली योर स्ट्रेंथ, ओके, एंड आफ्टर सिक्स tell our life's aim, and after that hobbies. What are the step to thanking over there, over particular place, okay. So aye, isko detail we'll discuss about greet, how to greet. So first of all, in greeting hum good morning bol sakte hain, good afternoon bol sakte hain, good evening bol sakte hain, jo bhi particular time hoga us samay ka, गुड मॉर्निंग हो रहा होगा तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग हो रहा होगा गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है, जो टाइमिंग उस समय का हो रहा होगा। मीन्स गुड मॉर्निंग का क्या टाइमिंग है, रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, उसके बाद 4 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद रात 12 बजे से, मीन्स शाम 4 बजे के बाद रात 12 बजे तक किसी से मिलने पर गुड इवनिंग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद इतना होने के बाद हम नाम, अवर नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बताने के तरीके क्या हैं, माई नेम इज़ दिस, ओके, मेरा ये नाम है, आई एम दिस, मैं ये हूँ, माई सेल्फ दिस, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, अब यूज कर सकते हैं। पहला है माई नेम इज़ दिस, सपोज मेरा नाम अरुण है, तो माई नेम इज़ अरुण, आई एम अरुण, माई सेल्फ अरुण, myself Arun, this is Arun, and here is Arun। friends ये दोनों जो होता है ये informal method है,
ठीक है, ये ऑफिशियल मेथड नहीं है, मतलब ये ऑफिस वगैरह में जैसा आप कहीं एक बड़े से ऑडिटोरियम को संबोधन कर रहे हैं, ठीक है, होस्टिंग कर रहे हैं बड़े से ऑडिटोरियम में, तो आप वहाँ इसको बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ अरुण, हेलो फ्रेंड्स हियर इज़ अरुण, ठीक है, इस टाइप में आप वहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑफिशियल यूज करना है, फॉर्मल यूज करना हो तो माई नेम इज़ आई एम माई सेल्फ, ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माई सेल्फ सेंटेंस गलत है, ठीक। उसके बाद आते हैं प्लेस, प्लेस मीन्स फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, ओके, प्लेस मीन्स फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। तो इसको बताने के तरीके हैं, आई एम फ्रॉम आनंद नगर, ओके, मैं आनंद नगर से हूँ, आई एम फ्रॉम आनंद नगर। देखिए मैं आपको एक स्टेप बता दे रहा हूँ, जरिया बता दे रहा हूँ, आपको अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद से लिखना है, ठीक है, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको है, ठीक है। आई एम फ्रॉम आनंद नगर, एक तरीका, आई बिलोंग टू आनंद नगर, ठीक है, मैं आनंद नगर से हूँ, मैं आनंद नगर से बिलोंग करता हूँ। आई लिव एट, ठीक है, जब किसी छोटे कस्बे के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एट लगाया जाता है, और जब किसी बड़े नगर शहर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ इन लगाया जाता है, तो आई लिव एट आनंद नगर, ओके। आई वॉज बॉर्न इन, अगर इस तरह से होता है कि हम आपका जन्म कहीं और हुआ है और आप पले बढ़े कहीं और हैं, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं, आई वॉज बॉर्न इन आनंद नगर, मैं आनंद नगर में पैदा हुआ। एंड रेज्ड इन, आई वॉज बॉर्न इन और एट, यहाँ भी बताए हैं, यूज कर सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एट आनंद नगर एंड रेज्ड इन महाराजगंज, ठीक है। पहला क्या होगा, आई वॉज बॉर्न इन आनंद नगर मीन्स मेरा जन्म आनंद नगर में हुआ, एंड रेज्ड इन महाराजगंज, और पला बढ़ा कहाँ पे, महाराजगंज। उसके बाद अगले स्टेप के बारे में आते हैं, क्वालिफिकेशन एंड करंट एजुकेशन, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है और करंट का एजुकेशन क्या है। तो आप कह सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम जो भी बोर्ड हो इन 2001, 2011, 2019, 2021, जो भी ईयर हो, ठीक है। तो पहला तरीका है, आई हैव कंप्लीटेड, या आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड और UPI बोर्ड और ICSE बोर्ड, जो भी आप बोल सकते हैं। आई हैव कम्प्लीटेड 12th फ्राम UPI बोर्ड इन 2008, या बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मतलब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मतलब क्वालिफाई करने वाला हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन इन ईयर 2011, मैंने ग्रेजुएशन 2011 में कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है। आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक, आप बोल सकते हैं, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन हो गया। या करंट एजुकेशन के लिए, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मैं भी ग्रेजुएट होने वाला हूँ, करंट एजुकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन मीन्स अभी आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, उससे पहले क्या किए हैं आप, आई हैव कम्प्लीटेड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड इन 2008 और 2001। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट स्किल एंड एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स क्या हैं और क्या कोई एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मेरे पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई एम फ्रेशर, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, मतलब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। एंड आफ्टर दैट आप बोल सकते हैं आई हैव डन 3 year डिप्लोमा, ठीक है, मैं बोल सकते हैं कि आई हैव डन 3 year डिप्लोमा, मैंने 3 साल डिप्लोमा किया है। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेल योर स्ट्रेंथ, ठीक है, सभी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, मजबूती, तो आप कहेंगे आई एम मल्टी टास्कर, मैं मल्टी टास्कर, ठीक, एक साथ कई कार्य कर सकता हूँ। आई एम अ गुड मोटिवेटर, मैं एक बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ, ठीक है, मैं किसी को भी मोटिवेट कर सकता हूँ। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, डिस्कस अबाउट लाइफ्स एम, व्हाट योर एम इन योर लाइफ, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने लाइफ में हम अचीव क्या करना चाहते हैं, उसके लिए, तो उसके लिए तरीका है, आई वॉन्ट टू बी अ और एन, ओके, लाइफ्स एम को एक्सप्रेस करने के लिए है, आई वॉन्ट टू बी अ और एन, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन, और आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, ओके, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका जो भी एम हो, आई वॉन्ट टू बी एन और ए इन माई लाइफ, लास्ट में ये इन माई लाइफ लगा दीजिए, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर इन माई लाइफ, ओके। द एम इन माई लाइफ इज आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, ओके। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस, अगर एक है आपका हॉबी तो माई हॉबी इज, अगर एक से अधिक है तो माई हॉबीज आर, जो भी हो, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट, मैं संगीत सुनने का और क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है। आई लाइक
लिस्निंग म्यूजिक, ठीक है, संगीत सुनना बहुत पसंद है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना बेहद पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू थैंक, ठीक है, थैंकिंग। तो जब ये अपना इंट्रोडक्शन स्टेप्स वगैरह आप पूरा कर लेंगे, मतलब पूरा अपना डिटेल बता देंगे, तो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू, ठीक है, ये कहेंगे कि दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, सब ये सब मेरे बारे में है, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू, या आप कहेंगे थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन। दोस्तों एक चीज़ हमने जिक्र नहीं किया, फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड। तो एक सिंपल सा है कि इस डिजिटल एरा में आपसे मतलब है, आपके फैमिली से मतलब नहीं है। आपके पिताजी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, उससे मतलब अब नहीं है। आप क्या हैं, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, तो आपको खुद का चीज़ बताना है। यदि आप इन्वॉल्व करना चाहें तो आप कहीं भी कर सकते हैं, उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड को। लेकिन ये है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मीन्स खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपके भाई साहब इंजीनियर हैं तो उसका, उनका, उनके बारे में नहीं बात करना है, आपके बारे में बात करना है कि आप क्या हैं, क्या थे, क्या हैं, क्या आगे आप चाहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन इन नेक्स्ट वीडियो।